शाख है नहीं है, कटिंग बहुत होती है ना, शाख तराशी भी की है लोगों ने, बड़ा प्यारा सीन है। ये देखिए टेंट्स लगाए हुए हैं, छोटा सा उन्होंने टेंट लगाया, हम लोग लगाएंगे, रौनक लगती रहेगी। कैलाश से तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, मतलब कैलाश इस कुमराट के करीब करीब ही नहीं लगता। देखिए सामने फॉरेस्ट है सारा, पूरा जंगल का सारा दियार के दरख्तों का जंगल है, दरख्तों की हाइट देखें। इट्स अ रियल ब्यूटी। ये हमारी गाड़ी भी आ रही है पीछे, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ नहीं दे, पार कर ले, खुद आएगी उधर। हाँ खानो देख सकते हैं क्या, रिवर साइड व्यू आप चेक करें, बहुत अच्छा व्यू नजर आ रहा है। इसी के कोई आसपास हम अपना कैंपिंग टेंट लगाएंगे, अच्छी सी लोकेशन हमें मिले, हम उसमें मैंने उनसे कहा कि उत्तर आप आ जाए। ये जिसमें गाड़ियाँ लोगों ने पार्क की अपनी, फैमिली के साथ लोग बैठते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पे, हम भी कोई अच्छी सी लोकेशन देख रहे हैं। कितना दूर है, आ जाओ, ये जंगल ख़त्म नहीं होगा। क्या नसर भाई, अभी भी पसंद आया, अभी व्यू बहुत ज़बरदस्त है, कमाल व्यू है। जंगल तो आगे आने वाला है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ, ऐसी जगह हो ना कि जो थोड़ा फैमिली से हटके हो, मतलब हम लोग बॉयज बॉयज हैं तो अपनी अच्छी लोकेशन हो जाए, कोई फैमिली भी हमसे डिस्टर्ब ना हो, जगह भी साफ सुथरी हो। काफ़ी देर से अच्छी कैंपिंग साइट देख रहे हैं, लोग तो फैमिली से हटके भी हों और सेफ भी हों, लेकिन लोगों ने बहुत सफाई रखी हुई, खाया पिया और फेंक के चले गए, तो ये बहुत बुरी बात है। जब भी आए तो ये गंदगी ना मिटाए, देखें हर दफ़ा आना होता है, ये देखें किस तरह गंद खाया पिया, जो चीज़ खाई उसके डब्बे, रैपर, शॉपिंग बैग नीचे फेंक के चले, बहुत बुरी हरकत है। अपनी जगह को साफ सुथरा रखें, साफ सुथरा रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम भी लोग आएंगे। आ जाओ आ गया, आ जाओ, ये देखें कुछ चाइल्ड बोन फाइट कर रहे हैं, सीन चेक करें। कुछ होटल्स वालों ने पीछे टेंट लगाए हैं, टू मच कॉस्टली, मतलब दराज हैं तो होटल्स और टेंट्स बहुत महंगे हैं। अगर आप रूम का हमने रेंट पूछा है पीछे, तो एक रूम का रेंट जिसमें दो बंदे रह सकते हैं, तो वन नाइट के 3500 रुपीज़, तो अगर दो से ज़्यादा हैं तो
ہر دو کو اضافہ کریں تو 1000 ایچ پرسن زیادہ ہوتا جائے. اور ٹینٹ کا پوچھا, دو بندوں والا ٹینٹ 1500 روپے پر نائٹ, دو سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتے, چھوٹے ٹینٹ لگ رہے ہیں 2%. تو جب بھی ادھر ہیں اور آپ نے کیمپنگ کرنی ہو تو یہاں سے رینٹ کا ٹینٹ لینے کی ضرورت نہیں, بہت کاسٹلی دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بندے باہر کے ہیں یا دور سے آئے ہیں, ان کو ریٹ ڈبل بول. سی لوکیشن ہمیں مل رہی ہے, کچھ فیلوز ہمارے لاسٹ ایئر آئے تھے یہاں پہ تو انہوں نے ہمیں وہ لوکیشن بتائی تھی, ہم اسی کو ٹریس کر رہے ہیں کیونکہ ریور سائڈ کے اوپر ہے بالکل, اور سیف بھی ہے, بڑا اچھی جگہ ہے. تو انشاءاللہ وہیں پہ اپنا ٹینٹ لگائیں گے بالکل جو دریا کے کنارے, ابراہیم بھائی بتا رہے ہیں کہ بالکل دریا کے کنارے وہ لوکیشن ہوگی, ادھر ہی ہم پروگرام سیٹ کریں گے سارا. دیکھیں یہ فیملی جو کارس کے ساتھ آئی ہیں, انہوں نے اپنے ٹینٹس وغیرہ لگائے ہیں, اپنے کوکنگ وغیرہ کر رہے ہیں, جب سو بیوٹیفل. یہی ہوتا ہے یہاں پہ آ کے ہوٹلس میں رہنا ہے تو کیا فائدہ, بند کمرے کے اندر کوئی مزہ نہیں ہوگا. کیمپنگ سائٹ پہ یہ مزہ ہوتا ہے کہ ہم دریا کے کنارے بھی پھر سکتے ہیں, اوپن ایئر میں بھی آ سکتے ہیں, ان درختوں ان خوبصورتیوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. آپ نے آئے ہیں کیا کہہ رہا ہے ڈرائیور, بہترین جی. Good. I'm doing a lot. ہم لوگوں کو آفس میں چھٹی نہیں ملتی, میں یہی دو چار دن ملے ہیں, ڈسائڈ کرو. تو فرینڈز ہمیں اپنی کیمپنگ سائٹ مل گئی ہے, اس جگہ پہ ہم لگائیں گے اپنا ٹینٹ اور یہ ہمارا سامنے ویو ہوگا. آپ دیکھیں بالکل دریا کا کنارہ, یہ فارسٹ سامنے, بڑا خوبصورت لوکیشن بنے گی. صبح صبح جب اٹھیں گے تو یہ خوبصورت نظارہ ہمیں ملے گا. تو ابھی اپنا ٹینٹ لگانا شروع کرتے ہیں, سامان گاڑی سے انلوڈ کر رہے ہیں, گاڑی ہم نے وہ سامان خرید کر دی اپنی, صبح بس ہم کیمپنگ شروع کریں گے. شادی اور بھی فرینڈس آئے ہیں کوئی لوکیشن سے, کوئی فیملی آئی ہوئی ہیں, بوائز آئے ہوئے کچھ جو اپنی کمپنی سائٹ نے بنائی ہے. تو ادھر ہم اپنا ٹینٹ کا اسمبلنگ کریں گے, شروع کرتے ہیں.
फ्रंट व्यू इसका, ये देख क्या कमाल व्यू है। पूरा टेंट के अंदर से देखते हैं कैसा आता है। तो भाई ये हम अपने टेंट के अंदर आ गए हैं, वाह क्या व्यू है देखें। ये हम अपने टेंट में, क्योंकि बग फ्री है, कुछ बग्स आ गए अंदर ये देख रहे होंगे, छलांगे मार रहा है, तो इससे अच्छा हम इसको खोल टोल बंद कर दें ताकि मच्छर ना आए। ये हमारा व्यू है, सुबह जब उठेंगे हम पहली नज़र हमारी इस खूबसूरत दरख्तों पे पड़ेगी, क्या बात होगी ठीक है। वाह, बस दो चीज़ें हमारे से रह गई, एक लाइट रह गई और दूसरा कुछ बर्तन रह गए, उठाए पैक किए हुए बर्तन वहाँ पे छोड़ के आ गए, बाकी तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम हो गया, लुक्स ग्रेट। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं ज़रा, इसको बग फ्री करते हैं। मच्छर ना आते जाए, बाकी अभी हमारा स्लीपिंग बैग और ये नीचे वाला मैट आ गया, हम इसको भी बिछाते हैं, कपड़े शपड़े अभी आ गए हैं, देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हमने अपना टेंट लगा लिया है, सेटअप कंप्लीट हो गया है, और इस टाइम बाहर हमारे बॉनफायर भी हमने लगा दिए, पीछे से अगर आपको नज़र आ रही हो फोकस में देखें, जगह हमने अपनी अपनी मल ली है, कामरान इमरान भाई मैं इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा अच्छा सीन है, अंधेरा हो गया है, बस इसमें हमसे एक गलती होगी कि लाइट नहीं लेके आए, तो मोबाइल की लाइट से गुजारा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग अपने साथ इंटरनल लाइट ज़रूर लेके आएंगे। ये हमने अब तो सेटअप लगाया है, जो कंबल बिछा दिए है, अभी स्लीपिंग बैग और मैट वगैरह भी हम लगा लेंगे जल्द। ये आउटर पोर्शन है,